मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला से 6 नई एडवांस्ड लाइफ स्पोर्ट्स सिस्टम एम्बुलेंस जीवनदायिनी हरी झंडी दिखाकर लोगों को समर्पित की। यह एम्बुलेंस राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी। ये इस बात की प्रसन्नता है कि आज 6 मेडिकल कॉलेज जो हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं, जिसमें IGMC है, टांडा है, मंडी है, चंबा है, हमीरपुर है और नाहन है, इन मेडिकल कॉलेज में 6 एम्बुलेंसेस, हर एक मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस और वो सारी सुविधाओं के साथ इक्विप्ड। जो भी इस तरह के मरीज होते थे जिनको एकदम रेफर करने की ज़रूरत किसी बेहतर सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में करने की जो ज़रूरत पड़ती थी, तो कठिनाई इस बात को देख करके हमने महसूस किया कि उनको जिस प्रकार की सुविधा में उनको शिफ्ट करना है, उसमें वेंटिलेटर भी हो, उसमें सारी चीज़ें जो हो उनके इसके लिए मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो जो है वो ठीक प्रकार से वहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल तक पहुँच सके, और बीच में कोई परेशानी होती है, पेशेंट को कठिनाई होती है, तो उसमें उन सुविधाओं के माध्यम से जो है उसको लाइफ सपोर्ट के साथ जो है वहाँ पर पहुँचा सके। उस दृष्टि से 6 एम्बुलेंसेज आज हमने डेडिकेट की है, जीवनदायिनी करके इन एम्बुलेंसेज का हमने नाम दिया है। और पिछली बार बजट की मेरी एक ये कमिटमेंट थी, एश्योरेंस थी हाउस में, और जिसमें सबसे ज़्यादा हमको जो कठिनाई यही आती थी कि शिमला से अगर IGMC से अगर हमको PGI के लिए पेशेंट को रेफर करना है, कि इस प्रकार की एम्बुलेंसेस हमारे पास उपलब्ध नहीं रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बेहतरीन एक सुविधा है। एक गाड़ी पर लगभग 40 लाख रुपए उसमें खर्च किया गया, खर्चा आया है। राज्य में 108